ജയ് ശ്രീ കൃഷ്ണ. പ്രിയ ഭക്തഗണോ, ക്യാ ആപ് അപ്നി മന്ദിർ, അപ്നി ഗാവ്, അപ്നി ശഹർ യാ അപ്നി ദേശ് മേ അപ്നി പരമ പ്രിയ ഗുരുമാ രുക്മണി കെ ശ്രീ മുഖ് സേ ശ്രീമദ് ഭാഗവത് കഥാ കി അമൃത വർഷാ കാ आयोजन करवाना चाहते हैं तो आप हमारी विश्व प्रसिद्ध वेबसाइट www.shanidev.us पर जाकर या फोन नंबर 011-450-51710 पर श्रीमद् भागवत कथा की एडवांस बुकिंग मेरे द्वारा करवा सकते हैं. भाति सुधोम स्त्री के शत्रुवो मित्र पत्यात्मजा. तू जानता है कि पशुओं में भी पढ़कर सबसे बड़ा पशु कौन है? अरे सबसे बड़ा पशु तो वह है जो सभी शास्त्रों को पढ़ता है, सभी वेदों का अध्ययन करता है, लेकिन उसके बाद भी उसके अंदर जो लिखा है उसे उसके बारे में कुछ समझ में नहीं आता. वो धर्म का ठीक ठीक से पालन ही नहीं करता, जिसे आत्मज्ञान ही नहीं हुआ. वह पशुओं में सबसे बढ़कर पशु वो कौन सा विष है जो अमृत सा जान पड़ता है? नारी. और वह कौन सा मित्र है, वह कौन सा शत्रु है जो मुझे मित्र सा जान पड़ रहा है? पुत्र पौत्र. अरे तूने इतने शास्त्रों को पढ़ा, इतने सारे वेदों को पढ़ा, उसके बाद भी तू समझ ना सका, अभी भी तू इस माया नगरी में घूम रहा है. तुझसे बड़ा पशु कोई हो ही नहीं सकता. अपनी विवेक का आश्रय ले, अपना दिमाग का इस्तेमाल कर और इस कुटुंब की आशा को श्रद्धा के लिए त्याग. भगवान में ही ध्यान लगा, उन्हीं को अपना सब कुछ. अब आत्मदेव तो बच्चों की तरह जिद पर पड़ा. वह कहने लगा, महाराज आप जो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन अगर मुझे आप एक पुत्र नहीं देंगे, आप एक पुत्र की मुझे प्राप्ति नहीं कराएंगे, तो मैं आप ही के सामने यहाँ शोक मूर्छित होकर अपने प्राणों को त्याग दूंगा. मैं आप ही के सामने सुसाइड कर. आपके बच्चे भी आपसे कई बार ऐसा जिद करते होंगे, कई बार इस प्रकार जिद पे अड़ जाते होंगे, तब उन्हें समझाना कितना मुश्किल हो जाता है. तो बच्चों की ही भांति आज आत्मदेव जिद पर अड़ा है और उन सन्यासी को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है. क्या आप अपने भाग्य से परेशान हैं? मैं रजनीश ऋषि लेता हूँ गारंटी आप सबकी सोई हुई किस्मत को चमकाने की, आपके भाग्य को जगाने की. 133 देशों में प्रसिद्ध शनि मंदिर राजेंद्रा प्लेस नई दिल्ली वाले गुरु रजनीश ऋषि से अब आप भी उनके ईस्ट पटेल नगर दिल्ली स्थित ऑफिस में मिल सकते हैं, अथवा आप गुरु जी को हमारे शनि मंदिर की विश्व प्रसिद्ध वेबसाइट www.shanidev.us पर जाकर अपनी सभी परेशानियां लिखकर भेज सकते हैं. कहता है कि यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मैं आप ही के सामने यहाँ अपने प्राणों को छोड़ दूंगा. क्या अब सन्यासी महात्मा ने जब देख लिया कि अरे ये तो किसी भी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ रहा, तो उन्होंने अपने थैले में से एक फल निकालकर उसे आत्मदेव के सामने ही अभिमंत्रित किया, मंत्रों से सिद्ध किया और सिद्ध करने के बाद उसे आत्मदेव को दिया. उन्होंने कहा कि देखो आत्मदेव, यदि यह फल तुम अपनी पत्नी को खिला दोगे तो उसे एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी. इसके साथ साथ तुम्हारी स्त्री यदि स्वच्छता, पवित्रता, दया, दान इन सभी का नियम करेगी और इसके साथ साथ एक समय एक ही अन्न खाने का नियम करेगी, तो अवश्य ही उसे
एक अच्छे बालक की एक शुद्ध स्वभाव वाले पुत्र की प्राप्ति हो। तो अब आप सभी के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि अरे गुरुमा, ऐसा होता है क्या? क्या आज के समय में भी ऐसा कोई सिद्ध पुरुष, ऐसा कोई सिद्ध व्यक्ति है जो यदि किसी वस्तु को अभिमंत्रित करके दे, सिद्ध करके दे, तो उससे हमारे भाग्य में परिवर्तन हो जाए? तो निसंदेह ये बात सच है। और हमारे गुरु जी श्री रजनीश ऋषि जी 133 देशों में पिछले 20 वर्षों से यही तो कर रहे हैं। वह आप सभी की जन्म पत्रियों को देखकर, आपकी जन्म कुंडलियों को देखकर, उसमें से उपाय के तौर पर आपको विभिन्न वस्तुओं को अभिमंत्रित करके, सिद्ध करके देते हैं। और जब आप उस वस्तु को प्रयोग में लाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो अवश्य ही आपके भाग्य में परिवर्तन होता है, आपके बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। अब देखिए, अभी पीछे ही हमारे साथ ऐसा एक केस हुआ। पिछले महीने की बात है, एक सज्जन हमारे पास आए। वो बैंगलोर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर, MBBS MD डॉक्टर। उनकी शादी नहीं हो रही थी, 32 वर्ष उनकी उम्र हो गई। अब वे गुरु जी के पास बैंगलोर से खुद चलकर आए। हमारा जो दिल्ली ऑफिस है इंस पटेल नगर में, वहां पर वे आए। गुरु जी से उन्होंने अपनी जन्म पत्री चेक कराई। गुरु जी ने उनको कुछ सिद्ध वस्तुएं दी उनकी हॉरोस्कोप के हिसाब से। और जब उन्होंने उन वस्तुओं को धारण किया, तो आपको ये जान के बेहद खुशी होगी कि अभी पीछे 11 फरवरी को उनकी शादी थी। कहां तो पिछले इतने सालों से 32 वर्ष उम्र हो गई है और अभी तक उनकी शादी नहीं हुई, और गुरु जी के उपाय करने के 1-1.5 महीने के अंदर उन्हें शादी का ये जो मौका है वो बन गया और उनकी शादी हो गई। ऐसे ही अभी पीछे अमेरिका से, USA से हमारे पास से एक महिला आई। उनकी हेल्थ ठीक नहीं थी, उनको उन्होंने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, वहां के बहुत से उन्होंने डॉक्टरों के यहाँ चक्कर लगाए, लेकिन फिर भी उनके जीवन में उनके हेल्थ को लेकर बहुत प्रॉब्लम्स रहते। वो कुछ भी काम करना चाहती थी फिर भी काम नहीं कर पाती थी, क्योंकि उनकी जो हेल्थ थी, जो उनका शरीर था, उन्हें करने ही नहीं देता था। हमारी वेबसाइट गूगल पे उन्होंने सर्च किया, हमारी वेबसाइट के कॉन्टैक्ट में वो आई और उन्होंने गुरु जी से वेबसाइट के माध्यम से संपर्क किया। और गुरु जी ने यहीं से इंडिया से उन्हें कुछ सिद्ध वस्तुएं बना के दी, उनको कुरियर किया वहाँ पे। तो आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि उनके स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा अब आराम है, अब वो बहुत बेटर फील कर। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तगणों, आप लोगों ने पारस पत्थर के विषय में तो अवश्य सुना होगा। पारस पत्थर एक ऐसा जीवन पत्थर होता है जिससे अगर लोहा इत्यादि किसी भी धातु या मेटल को स्पर्श किया जाए तो वह लोहा सोना बन जाता है। ऐसे ही एक सच्चा सद्गुरु अपने दिव्य ज्ञान और शिक्षा के द्वारा मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति को भी ज्ञानी एवं महापुरुष बना देता है। ऐसे ही दिव्य ज्ञान से उत्प्रोत हैं मेरे पूजनीय गुरु श्री रजनीश ऋषि जी, जिनके स्पर्श मात्र से 133 देशों में अनगिनत लोग अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। गुरु जी से प्राप्त दिव्य ज्ञान की बदौलत ही बचपन में स्प्रिंगडेल्स पब्लिक स्कूल भूसा रोड नई दिल्ली में पढ़ने वाली मैं गुरुमा रुक्मणी आज पूरे विश्व में अपनी एक विशेष पहचान रखती हूँ। मेरे इस दिव्य स्वरूप का श्रेय केवल गुरु श्री रजनीश ऋषि जी को ही जाता है। धन्य है मेरे गुरु जिन्होंने मेरे स्वरूप को तराशा और निखार कर श्रेष्ठता प्रदान किया। ऐसे ही एक गुरु रूपी सच्चे पारस पत्थर का प्रभाव अगर आप मेरी तरह विश्व कल्याण की भावना से या अपनी उन्नति के लिए मेरे पूजनीय गुरु श्री रजनीश ऋषि जी से गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, तो आप बिना किसी झिझक के मुझसे या गुरु जी से नीचे दिए गए हमारे फोन नंबर 011450
51710 या मोबाइल नंबर 08826477398 पर गुरुजी से समय लेकर मिल सकते हैं, या आप हमारी विश्व प्रसिद्ध वेबसाइट पर www.shanidev.us पर दीक्षा के लिए निवेदन कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। क्या आप संतान ना हो पाने से या नालायक संतान होने की वजह से दुखी हैं? मैं शनि मंदिर राजेंद्र प्लेस नई दिल्ली से गुरु रजनीश ऋषि लेता हूं गारंटी, आपकी संतान संबंधी समस्त ग्रह पीड़ाओं को दूर करने की। 133 देशों में प्रसिद्ध शनि मंदिर राजेंद्र प्लेस नई दिल्ली वाले गुरु रजनीश ऋषि से अब आप भी उनके ईस्ट पटेल नगर दिल्ली स्थित ऑफिस में मिल सकते हैं, अथवा आप गुरुजी को हमारे शनि मंदिर की विश्व प्रसिद्ध वेबसाइट www.shanidev.us पर जाकर अपनी सभी परेशानियां लिखकर भेज सकते हैं।